क्या ओट्स सच में इतना पावरफुल मील है जिसमें आपका वेट कम करने से लेकर वेट बढ़ाने तक आपकी हार्ट डिजीज़ को कम करने की भी ताकत है। यही नहीं, आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सॉलिड रामबाण इलाज है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? हाँ ये सच है, तो प्रूव करना। हेलो गाइस, वेलकम टू पहले हेल्थ। सो विद दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेक्शन ऑन आवर चैनल कॉल्ड न्यूट्रिशन की पाठशाला। अब न्यूट्रिशन की पाठशाला में हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर ओट्स। जोक्स अपार्ट गाइस, बट न्यूट्रिशन की पाठशाला में हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर फूड प्रोडक्ट्स के बारे में, जानेंगे उनका न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट, देखेंगे किस किस और कौन कौन सी क्वान्टिटी में उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे उनके बेनिफिट्स के बारे में, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या ये प्रोडक्ट्स फिट हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। अगर है तो आपको किस क्वांटिटी में इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। सो विद दैट आई वुड से वीडियो को पूरा देखिएगा और हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओट्स इज़ अ होल ग्रेन जस्ट लाइक वीट एंड राइस, एंड इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइट्री फाइबर, स्पेशली अ फाइबर विच इज़ कॉल्ड बेटा ग्लूकन, जो कि अगर एक पर्याप्त मात्रा में कंज्यूम किया जाए डेली, इट हेल्प्स लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इवेंचुअली मेक्स योर हार्ट हेल्दी। बट वी विल डिस्कस दैट वंस वी कम टू द न्यूट्रिशन। मोर ओवर एक बहुत ही शानदार सेटाइटिंग मील है विच कीप्स यू फुल फॉर अ लॉन्गर पार्ट ऑफ द डे एंड कैन मेक फॉर अ परफेक्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। यही नहीं, इट इज़ फिल्ड विद हाई क्वालिटी प्रोटीन, इसके साथ साथ इसमें हेल्दी फैट्स और गुड कार्बोहाइड्रेट्स। सो इन अ वे मैं तो ये कहूँगा इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो अच्छा है ही, लेकिन साथ ही साथ ओट्स का प्रोडक्शन अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान प्रोसेस है। सो ओट्स की कल्टिवेशन 4 से 5 महीने का प्रोसेस है, सीड सो करने से लेके फाइनल हार्वेस्टिंग तक। इसके लिए ठंडे या हिली क्लाइमेट्स एकदम पर्याप्त हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए, शायद इसी रीज़न से रशिया सबसे बड़ा ओट्स का प्रोड्यूसर है। लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में भी ओट्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। शायद ब्रिटिश के टाइम से ये इसका प्रोडक्शन हो रहा है, इसका कल्टीवेशन हो रहा है, बट मेन स्ट्रीम क्रॉप प्रोडक्शन में ही आया 1970s के बाद। और आपको ये जान के शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि कश्मीर की केस स्टडी के बाद बहुत सारे दूसरे हिली एरिया सच एस हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल ने इस क्रॉप की प्रोडक्शन एक अच्छी अमाउंट में शुरू कर दी है। तो ओट्स में कश्मीर एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। सो व्हाट यूज़ टू हैपन इज ओट्स इज एज आई मेंशन बिफोर कि ओट्स एक विंटर क्रॉप है जो सर्दी जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है, लेकिन जो वहाँ के फार्मर्स थे वो सर्दी गर्मियों में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा देते थे, राइस वीट पोटैटो एंड ऑल ऑफ दैट, बट सर्दियों में जो भी निकालते थे वो ख़राब हो जाता था। एंड ओट्स इज़ वन सच प्रोडक्ट जिसको कोई भी आफ्टर केयर की ज़रूरत नहीं है, बट दे कुड नॉट सी द बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ओट्स ड्यूरिंग द टाइम वाइल देयर फील्ड्स वर बैरन, बिकॉज सर्दियों में वो कुछ भी काम नहीं करते थे, वो अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लेते थे। दे वुड गो टू सम अदर प्रोफेशन लाइक दे वुड प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट्स और एनी अदर थिंग, बट एसेंशली वो फार्मिंग नहीं करते थे। बट बहुत सारी कन्विंसिंग के बाद गवर्नमेंट एजेंसीज प्राइवेट एजेंसीज ने बोला कि ओट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, एंड दे फाइनली डिसाइडेड। और जब उन्होंने एक बारी प्रोड्यूस किया ओट्स कश्मीर में सर्दियों के दौरान, एंड इट वॉज फ्लरिशिंग, एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो लुकिंग बैक। उसके बाद में अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 95 एंड टिल टुडे इन फैक्ट, कि वो ओट्स का जो एरिया है अंडर कल्टिवेशन हैज़ ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नाउ लेट्स लुक एट द टाइप ऑफ ओट्स। सो सबसे पहले आता है रॉ ओट, जो कि हार्वेस्टेड क्रॉप है, उसमें आपका होता है होल ग्रेन और होता है उसका कवर आउटर शेल, जिसको हम हल भी बोलते हैं या ब्रैन भी बोलते हैं। जब आप उस ब्रैन को निकाल देते हो या हल को निकाल देते हो तो बनता है, तो रह जाता है ओट ग्रोट। ओट ग्रोट में सबसे ज़्यादा समय लगता है कुक होने में, क्योंकि वो ग्रेन बहुत बड़े साइज़ का होता है, तो इसीलिए इसको आसान कुकिंग के लिए बनाने के लिए क्या करते हैं, मेटल ब्लेड से इसको काटा जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्टील कट ओट्स, जो कि आसानी से बन जाता है क्योंकि पानी ज़्यादा आसानी से पेनिट्रेट करता है छोटे पीसीज में। अच्छा, टेकिंग यू बैकवर्ड्स, अगर मैं ओट्स को छोटे छोटे मेटल ब्लेड से ना काट करके उसको स्टीम करके मैं उसके ऊपर रोलर्स को अगर मैं चला देता हूँ तो बन जाता है रोल्ड ओट्स,
या फिर उसको हम बोलते हैं ओल्ड फैशनड ओट्स, जो कि सबसे आई थिंक सबसे ज़्यादा खाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। एंड इसी का दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट और क्विक ओट्स, जहाँ पे हम प्रोसेस वही कर रहे हैं जो हम स्टीम करके रोल करते हैं, रोलर चलाते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे स्टीम थोड़ा ज़्यादा किया जाता है और रोल कुछ ज़्यादा किया जाता है, ताकि द फाइनल प्रोडक्ट हैज़ टू बी मोर थिनर देन द ओल्ड फैशनड ओट्स। एंड फाइनली आप अगर आप चाहते हैं आप ओट्स का ग्रेन, होल ग्रेन ला करके उसको आटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म ऑफ ओट्स हैं, इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट लगभग सेम ही होता है, ऐसा नहीं है वन इज़ अबव द अदर, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, अदरवाइज एंटायर फैमिली इज़ रिच इन न्यूट्रिशन। फाइनली लेट्स लुक एट द न्यूट्रिशन एंड बेनिफिट्स ऑफ ओट्स। हम 50 ग्राम ओट्स के हिसाब से इसको समझते हैं और देखते हैं कि क्या मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकल करके आते हैं। सो 50 ग्राम ओट्स में हो गए हमारे पास में सबसे पहले कार्ब्स। सो कार्ब्स हो गए हमारे पास में लगभग 33 ग्राम्स, जिसमें हमारे पास में 33 ग्राम्स में से 5 है लगभग 6 ग्राम्स, और उस फाइबर में से बेटा ग्लूकेन जिसकी हम बात कर रहे थे वो है 2 ग्राम्स। अब ये जो बेटा ग्लूकेन फाइबर है, सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो ये बोलता है कि अगर आप इस फाइबर को 3 ग्राम से ऊपर एक दिन में खाते हैं, सो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करता है, एज अ रिजल्ट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। आगे देखते हैं। सो देन वी हैव प्रोटीन विच इज़ अराउंड 8 ग्राम्स। अच्छा, जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ दीज आर नॉट दी एग्जैक्ट नंबर्स, सो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट डोंट कंसीडर इट एज दी एग्जैक्ट नंबर्स। अच्छा, इस पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में WHO ने कहा है कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू सोए मिल्क, मीट या फिर एग प्रोटीन। सो बेसिकली हाई क्वालिटी प्रोटीन है। देन फैट्स लगभग 3.5 ग्राम्स, जिसमें से सैचुरेटेड या फिर बैड फैट इज़ अराउंड 0.6। देन उसके बाद में मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड अराउंड 1.1 ग्राम। सो दीज टू फैट्स आर हेल्दी फैट्स। सो अगर आप ये दोनों फैट्स खा रहे हैं, दीज आर really good for your body. अब हम composition देखते हैं। So till now what we have understood is that, so if because of this particular fiber it helps lower bad cholesterol resulting in your heart being healthy, right? So that आपकी arteries block ना हो, cholesterol वहाँ से निकले and your heart remains healthy. देखते हैं कौन कौन से minerals कितनी कितनी quantity में हैं, right? Majorly जोन से ज़्यादा quantities में हम वो देखते हैं, और जो कम quantities में we'll just talk about that. So then minerals में सबसे important manganese, लगभग 2.5 mg,
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपकी जो डेली रिकमेंडेशन है एज पर FDA, उसका आपको लगभग 115% मिल जाता है। मतलब आपको एक ही प्रोडक्ट से इतना सारा मैंगनीज मिल जाता है। व्हाट मैंगनीज डज इज़, वैसे तो इसमें काफ़ी सारी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। Essentially, it is part of enzymes that helps in metabolism. Then, इसमें है phosphorus. लगभग 260 mg. ये आपका लगभग 37% डेली वैल्यू का कंपोनेंट पूरा कर देता है। सो व्हाट फास्फोरस एसेंशियली डज इज़ दैट, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है और साथ ही साथ आपके मसल्स के और सेल्स के टिश्यूज को रिपेयर करता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के लिए उसमें हेल्प करता है आपके। देन उसके बाद में तीसरा बड़ी मात्रा में जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम, विच इज़ लगभग 90 mg. ये आपका आई थिंक 24 या जो भी है आसपास ही है, 24-25% का डेली वैल्यू आपको दे देता है। तो एसेंशियली मैग्नीशियम भी आपकी बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड कि आपकी जो बॉडी प्रोटीन बनाती है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। सो ये आपको लगभग 24% जो आपकी डेली इनटेक होनी चाहिए उसका 24% आपको मिल जाएगा 50 ग्राम ओट से। Now let's come to why it helps in reducing your diabetes. Because of the fact that oats is a complex carbohydrate and isme which actually helps in slowly digestion of the food. So what essentially happens is wo aapke food ko ekdam se glucose mein convert nahi karega, tukdon mein convert karta hai. As a result aapka jo blood sugar hota hai, in fact this is common with all sorts of complex carbohydrates, aapka blood sugar ekdam se spike nahi karta. So for someone who is who have you know diabetes, so it helps lowering that. As far as your weight reduction is concerned, so kyunki bahut zyada satiating hota hai, aapko lambe samay tak full rakhta hai, so as a result aapko bar bar craving nahi hogi khane ki, jiska fayda ye hoga ki aapki jo कैलोरी डेफिसिट है का जो गोल है वेट रिडक्शन के लिए वो आसानी से अचीव हो सकता है। नाउ ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपको वेट गेन कर रहे हैं या मसल बिल्ड कर रहे हैं, सो आई थिंक व्हाट एसेंशियली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डज इज इट प्रोवाइड्स यू एनर्जी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन सो दैट यू कैन वर्कआउट मोर एफिशिएंटली इन द जिम। एंड सेकेंडली साथ ही साथ आपकी क्या मदद करेगा, आपका हेल्दी वेट पुट ऑन में मदद करेगा आपकी। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो इसका कंजम्पशन, जो भी आपके कैलोरी गोल्स हैं, यू कैन लुक एट द कैलकुलेटर, आपको कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हैं एंड टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, वहाँ से अपना TDEE कैलकुलेट करो एंड उसके हिसाब से 10% कैलोरीज आपको ज़्यादा इनटेक करना होगा। सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ओट्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इट विल हेल्प यू अचीव वेट गेन इन अ मच हेल्दियर एंड अ प्रोमिनेंट वे। दैट आज की मास्टर क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, जिन जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर वेट गेन या वेट लूज, उन सब के साथ में ये वीडियो शेयर करें सो दैट दे ऑल्सो नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सच अ ईजी क्विक एंड न्यूट्रिशनस मील। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। टिल देन दिस इज़ मनीष कपूर साइनिंग ऑफ।